यहाँ पैसे डालो और अपनी विश मांगो, वो एक किसी ना किसी की कब्र मिलेगी इधर। It's really beautiful. Start thinking about life and death to a certain extent. I love it. It's pretty cool. It's a pretty cool monument. हेलो दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त मोहित और सचिन, स्वागत करते हैं आपका हमें इस व्लॉगर के एक और व्लॉग में। और सचिन, कहाँ आज लेकर के आए हैं? आज हम आप लोगों को लेके आए हैं हिमायू टॉम्ब, हिमायू का मकबरा जो कि है लोधी रोड। और टिकट के चार्जेस काफ़ी कम है, अगर आप इंडियन हो तो 40 रुपीज़ कैश में पे करना है, और अगर कार्ड के थ्रू पे करते हो तो आपको 35 रुपीज़। और अगर आप फॉरनर्स हैं तो आपको 600 रुपीज़ कैश पे करना, 550 इफ़ यू पे बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल, और एंट्री हो जाती है, एंट्री के बाद एक बार बैग चेक होगा आपका, उसके बाद सीधे एंट्री हो जाएगी। हम भी काफ़ी टाइम बाद आए हैं, कभी हम आए थे कॉलेज टाइम में, अराउंड 7 or 8 years पहले हम लोग आए थे, कभी आए थे। आज हम 7-8 years के बाद यहाँ पर आए हैं, देखते हैं कितना चेंज हुआ है ये, और हम तो बहुत चेंज हो गए जब से गाड़ी आ गई। हम लोग पुरानी फोटो दिखाएंगे अपनी यहाँ पे, और बाकी अगर ये अपनी दिखाएगा अपनी दिखाएगा ये, हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाएं, और उसके बाद अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपके इंस्टाग्राम के लिंक्स आएंगे, आप वो फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे फॉर ऑल द बिहाइंड द सीन्स। बिल्कुल, चलिए शुरू करें। चलो ये शक्तिमान टिकट खरीदते हुए ले ली कार्ड से लिए हमने, चले आगे। ये है एंट्री फॉर हिमायू टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। टिंग 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 टिंग, चलो अंदर चलते हैं। देखो बैकग्राउंड म्यूजिक कितना अच्छा दिया हमने। ये एंट्री गेट है, इसके अंदर जाके होगा हिमायू टॉम्ब हमारा। हाँ बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। दोस्तों ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे का नाम है अरब का सराय दरवाजा, अरब सराय गेट। बिल्कुल, और ये कितना पुराना है, 1560 से अभी तक ऐसा कैसा ही है। सो ये है आपका हिमायू टॉम्ब जाने के लिए रास्ता। देख सकते हैं आप आसपास कितनी ग्रीनरी है और कितनी क्लीन है। ये देखो ये लड़का बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और सुबह से फोटो शूट में बिजी है अपने। ऐसा नहीं है, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। तो गाइस अभी लोग हम लोग एंट्री कर चुके हैं, हुमायूं के मकबरे की तरफ बढ़ भी चुके हैं, और आपको अभी कुछ शॉट्स में हमने दिखाया भी होगा कि हर एंगल से कैसा दिखता है और आसपास कितनी सारी ग्रीन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे कैसे शॉट्स आपको अच्छे लगे और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और ये कैसा लग रहा है आपको। बिल्कुल, बेसिकली कितनी क्लीनलीनेस है यहाँ पे। अभी हम आपको इसके ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ पे स्टेयर्स हैं, दिखाएंगे वो भी ऊपर जाने का रास्ता किधर से है वहाँ पर भी दिखाएंगे और आपको ऊपर भी लेके जाएंगे, ऊपर से कैसा दिखता है वो भी दिखाएंगे। हाँ लोग कहते हैं कि ये दूसरा ताजमहल है, बट ऐसा लग नहीं रहा हमें, हमें तो नहीं लग रहा। मॉन्यूमेंट अच्छा है भाई, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मज़ा आता है, पैसे भी ठीक हैं, ठीक है उस हिसाब से, ऐसे नहीं है कि आपके हाई चार्ज हो जाए। जैसे हम इवेंट कवर करते तो आपको पता है कितने महंगे महंगे होते हैं। चलो अभी ऊपर चलते हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं, चलिए ऊपर चलते। तो गाइस ये है इसके ऊपर जाने का रास्ता, लेट्स गो। तो गाइस अभी हम यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे एक यूनिक सी जगह है, ये एक कुआं बोलते हैं इसे, और इसके अंदर लोग पैसे डालते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहीं से हम अगर देख पाएंगे तो। ये देखिए 100 की पत्तियाँ पड़ी हुई अंदर, पैसे पड़े हुए इसके अंदर, और लोग बोलते हैं यहाँ पैसे डालो और अपनी विश मांगो।
विश पूरी होती है और हर रात यहाँ पे पैसे भी अपने आप गायब हो जाते हैं भाई। ये देखिए ऊपर से ऐसा दिखता है। तो दोस्तों अभी ऊपर वाली साइड आए हुए हैं, दिखाया होगा आपको फुटेज, अभी कैसा लगा वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और उसके अलावा ये जो हुमायूं टॉम है ना, अगर आप ऊपर आकर के इसको चारों तरफ से देखते हैं तो कहा जाता है कि हर जगह से सेम दिखता है। सेम दिखता है एकदम एग्जैक्ट। अगर आप राइट लेफ्ट फ्रंट बिहाइंड और बैक कहीं से भी देखेंगे एक जैसा ही दिखेगा आपको बिल्कुल। और इसके अलावा पुरानी यादें थोड़ी सी ताज़ा हो गई हम लोगों की। ये हुमायूं टॉम का बैक साइड है और देख सकते हैं कितना क्लीन है सब कुछ। हाँ मतलब इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना इधर, इतनी फ्रेश, मतलब दिल्ली में इतने पॉल्यूशन के बाद भी यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि इतना पॉल्यूशन बिल्कुल है। और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने ना इन सबको इतना मेंटेन करके रखा हुआ है बिल्कुल। ये देखिए ये बैक साइड से भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट क्या सिमिलर ही है। सो गाइस जगह जगह पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी और ये किसी ना किसी की कब्र होती है। काफ़ी मॉन्यूमेंट्स में आपने देखा होगा इस टाइप से बने रहते हैं, तो कोई डिज़ाइन नहीं होता, ये कब्र होती है। आ गए हैं, ये है मेन मकबरा बादशाह हुमायूं का। ये ऊपर जो है वो गोल्ड का है लेकिन पूरा? ये पूरा ब्लैक हो चुका है बिल्कुल, पॉलिश होनी बाकी है, खरा सोना। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे खुफिया रास्ते मिलेंगे जहाँ पे अंधेरे में से होके आपको जाना पड़ेगा, डरना नहीं है, एक नहीं है। फिर आपको एक किसी ना किसी की कब्र मिलेगी इधर। हाँ लेकिन किसी भी कब्र से होते हुए अंदर आओगे ना, ये देखिए जैसे क्या मिलेगा, अंधेरे से आते हुए और एकदम से यहाँ पे दो कब्रें। सो गाइस अभी हमने अभी अंदर आपको कब्र दिखाई जितनी भी थी, अभी बाहर आ चुके हैं, अभी हम यहाँ से जहाँ से अंदर गए थे वहीं से बाहर आए हैं बिल्कुल। तो चलिए अभी ऊपर का तो घुमा दिया, ऑलमोस्ट पूरा हो गया, नीचे का नीचे जो भी आसपास के थोड़े से मकबरे वगैरह बने हुए वो आपको घुमाएंगे अभी हम। यार पता है यहाँ पे गार्डनिंग जो कर रखी है बंदों ने कितनी मस्त कर रखी है भाई, मतलब बहुत क्लीन है, ग्रीनरी मिलेगी और अच्छा तो लग ही रहा है बिल्कुल। चलो चलते हैं आगे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर। तो भाई लोग देख रहे हो मतलब कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो गाइस अभी हमने आपको ये जितना भी घुमाया आपको कैसा लगा आप ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन सी वाली फुटेज आपको अच्छी लगी। और बाकी अगर हो सकेगा तो हम यहाँ पे भी किसी से पूछेंगे कि उनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, वो हम ट्राई कर रहे हैं, कोई हमें मिले तो हम उनसे पूछें। बाकी अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइस तो अभी आपने ये वीडियो जितनी भी देखी है आप जानते हैं लोगों से इस रिव्यूज़ कैसा लगा ये प्लेस। व्हाट्स योर नेम? आई एम आस्था। ओके एंड योर? ओलिविया। हाय गाइस माय नेम इज टॉमी। ओके वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम हांगकांग। वेयर आर यू फ्रॉम? कनाडा। कनाडा ओके। And I'm from Delhi. I'm also preparing for Canada. Isn't everybody? Yeah. Right. Okay. So tell me something about this place. I'm an architecture student and I went to SPA, which is at ITU. We used to come here as an undergrad all the time. So this place obviously has a lot of memories for us. Every time I come here, it's amazing. And also the architecture of this place is so good. It's always a great experience, you know. The whole understanding the whole sequence of spaces and the symmetry here and looking at all the gardens around, this is also a great place to take photos. Yeah. So definitely. So anybody who's a photography enthusiast is this is amazing. And nowadays people who are doing TikToks. I have managed to stay away from that and I'm hoping to stay away from that for as long as possible. So we'll see. But yeah, I mean this place is all and the whole you know you get this certain feeling that. I mean, you start thinking about life and death to a certain extent here because obviously this is a tomb, so... Yeah. Yeah. All in all, it is a good place to overall, visit. Overall, it's amazing. I don't even know how many times I've been here. Okay. I would have...
I mean, the construction that's happening right now, it was a bit of a damper, but it's okay, it's temporary. But otherwise, this is great. I would have loved it if the gardens were better maintained. Yeah. There was more planting and everything. But then also, there's the nursery right next to this, so. Okay. So if you want to see gardens, you can always go there to experience the whole feel of Mughal gardens. Okay, you want to share your experience? It's really beautiful. I think she covered everything, but it's interesting learning more about India's history. So yeah, it's been fun. Okay, so do you visit this place first time or? Yeah, it's my first time. It's your first time? Yeah. Have you visited other places in Delhi as well? We were just at Qutub Minar. Qutub Minar this morning. Okay. Yeah. So yeah, not a whole lot. First time. You like this place? I love it. It's pretty cool. It's a pretty cool monument. Okay, just share your experience about this place and about the Delhi. You know, Delhi is the first city I arrived in India, and so far it's been pretty crazy. Okay. Because I'm not really used to everything happening at once. But then when you come see monuments like this, it's really peaceful. So that's one thing I really like about these monuments. Yeah, in between the so many traffics and so much tension we have, and if you want peace, you can come around these places. Yeah, exactly. Yeah. So that's why I specifically like these places. And do you want to recommend this place to our audience? Absolutely. If they haven't visited, then they can. If you haven't visited, then this is a must go in Delhi. Absolutely. It was very nice to talk to you guys. Yeah. Like, I think we have to wrap it up because. Yeah, the guards are getting angry. Just if you want to say something to our audience. Please do like, share and subscribe and comment. These people, it's been lovely talking to them. So guys, remember to share, subscribe and like this video.